मैं भी आप ही की तरह एक सरकारी स्कूल, क्योंकि मैं एक मजदूर परिवार से आता हूँ, तो सरकारी स्कूल में ही पढ़कर इस मुकाम तक पहुंचा। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा विकास का ब्लॉक खोलती है और स्कूल जिसे हम कहते हैं कि सरस्वती का मंदिर, इस मंदिर में जो हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि शिक्षा के बल पर ही हम दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं। और जितने भी महापुरुष की हम किताब जीवनी पढ़े तो दो लोग का प्रमुख स्थान होता है, एक जो माँ ने जन्म दिया, दूसरा गुरु का। तो अपने स्कूल में हम गुरु का जरूर सम्मान करें, घर में माता पिता का सम्मान जरूर करें। ये मूल मंत्र हर छात्र छात्राएं, जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया उसका भी सम्मान करना, और जो गुरु हमें अंधकार से उजाला की ओर ले जाए उसका भी सम्मान हमें करना चाहिए। मैं आपसे जानना है कि आप जो पढ़ाई पढ़ रहे तो कुछ लक्ष्य निर्धारित किए होंगे, कुछ टारगेट होगा कि हम पढ़ के ये बने। तो आप सब बच्चे बच्चे आप हाथ उठाएंगे, अपनी जो भावना कि हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ के आगे चलकर क्या बनना है, कुछ तो सोचे होंगे, कुछ तो सपना देखे होंगे कि हम पढ़ के ये बनेंगे। तो जरा आप वैसे हाथ को उठा के बोले स्वेच्छा से, ठीक है, अपना नाम।